25 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। 74 साल की हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 9 दिसंबर 1946 को हुआ इटली के लुसियाना में जन्म। सोनिया गांधी ने भारतीय राजनीति में देखे कई उतार चढ़ाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जन्मदिन की बधाई। भगवान उन्हें लंबे और स्वास्थ्य जीवन की आशीर्वाद दे। राजस्थान के पंचायत चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त झटका। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने किया शानदार प्रदर्शन। प्रदर्शन में 21 जिलों में हुए जिला परिषद और पंचायत दोनों चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस को दी मात। निर्माण संबंधी योजनाओं पर तकनीकी विशेषज्ञों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है। 2 दिवसीय बैठक के बाद मंदिर निर्माण समिति के सदस्यों ने दी खबर। भारत में कोरोना वायरस रोधी वैक्सीन के विकास में दिखी वैश्विक दिलचस्पी। दुनिया को इससे अवगत कराने के लिए 64 देशों के राजदूत पहुंचे दिल्ली से हैदराबाद। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पीछे नहीं हट रहे हैं किसान। सरकार से मिली लिखित प्रस्ताव। किसानों की मांग के अनुसार हो सकते हैं कुछ संशोधन। नहीं वापस होगा कृषि कानून। मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। परिजनों का आरोप, पीट पीट कर की गई युवक की हत्या। मझौला थाना क्षेत्र के डिंडोरी गांव का मामला। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नॉर्मल डिलीवरी कर महिला ने दिया विचित्र बच्चों को जन्म। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। बच्चे को देखने के लिए लगा स्वास्थ्य केंद्र में तांता। उन्नाव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का जला शव। हत्या के बाद पहचान मिटाने के लिए जलाया गया शव। घटनास्थल पर लगी ग्रामीणों की भीड़। जांच में जुटी पुलिस। माखी थाना क्षेत्र की घटना। सीतापुर में तिलक समारोह में आई 6 साल की बच्ची के साथ रेप। आरोपी की बच्ची ने भीड़ में चिल्लाकर की पहचान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बच्ची की हालत गंभीर। लखनऊ रेफर। थाना सिंगरौली की घटना। जनपद कानपुर देहात में कुएं में गिरकर महिला की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मायके वालों का ससुराल पक्ष पर लगाया गया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। मूसानगर थाने की घटना। उन्नाव में किसान बिल के विरोध में 14वें दिन भी जारी है सपाइयों का विरोध प्रदर्शन। यूपी के गाजीपुर में डीजे पर गाने को लेकर विवाद में दूल्हे के चचेरे भाई को मारी गोली। वारदात के बाद परिवार में मचा कोहराम। कसीमाबाद के रसूलपुर की घटना। प्रतापगढ़ गौसेवा के नाम पर सरकार खर्च कर रही है। ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से बड़ी बचत डकार रहे हैं ग्राम प्रधान। बीमार गाय का इलाज नहीं हो पा रहा है। तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है गाय। गौशाला में कागजों पे तैनात है 3 कर्मचारी। नहीं होती गाय की ठीक से देखभाल। गोरखपुर में सामने आया टीचर का खौफनाक चेहरा। होमवर्क नहीं करने पर 7 साल की बच्ची को जलाया। परिजनों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को दी सूचना। नाबालिग है आरोपी टीचर। पीड़ित को ट्यूशन पढ़ाती आरोपी टीचर। कोतवाली थाना इलाके की घटना। कानपुर के गोविंद नगर गुजैनी में एसपी नेता की गुंडई कैमरे में हुई कैद। सांड पकड़ने आई टीम पर सपा नेता ने किया पथराव। नगर निगम की गाड़ी पर चलाई ईंट पत्थर। गोविंद नगर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं श्याम सिंह यादव। हाथरस में सामने आया दबंगों का कहर। राशन डीलर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग। राशन डीलर ने बेटों के साथ भागकर बचाई जान। मौके पर पहुंची पुलिस। जांच में जुटी जंक्शन कोतवाली का इलाका। एटा में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में हुई 9 साल के मासूम की मौत। जयमाला के दौरान हुई हर्ष फायरिंग। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। सौरभ नाम के युवक ने की थी फायरिंग। थाना निधौली का मामला। अलीगढ़ पूर्व विधायक ठाकुर राकेश सिंह को सिपाही से अभद्रता करना पड़ा भारी। पूर्व विधायक समेत 8 समर्थकों व 3 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। किसान आंदोलन का समर्थन करने पहुंचे थे पूर्व विधायक। मुरादाबाद में पीएसी के जवान की पत्नी ने अपने आवास में फांसी लगाकर की आत्महत्या। अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या। मृतका के परिजनों ने लगाया पति पर हत्या का आरोप। सीतापुर में कोहरे के चलते हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ में फ्लाइट पकड़ने जा रहे परिवार की कार ट्रक में घुसी। हादसे में 10 साल की बच्ची समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बिस्वा सिंगरौली का मामला। कन्नौज में घरेलू विवाद में महिला के परिजनों का तांडव। ससुराल से किसी बात पर हुआ था विवाद। महिला ने फोन कर मायके से बोलेरो में भरकर बुलाए परिजन। पीलीभीत में जिलाधिकारी पुलकित खेरा ने जिला क्षय रोग कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। हापुड़ में सामने आई दरोगा के बेटे की दबंग गई। शराब पीने से रोकने पर मैरिज हॉल संचालक को जमकर पीटा। साथियों संग दरोगा के बेटे ने जमकर की मारपीट। दरोगा के बेटे पर फायरिंग करने का आरोप। 5 मिनट 25 खबरों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।